देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। कल सुबह 7 बजे से 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए चुनाव आयोग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। शाम तक सभी पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रण में इस बार सभी पार्टियों ने भी पूरी ताकत लगाई हुई है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में पहले चरण की सीटों पर 58 में से 53 सीटें जीती थी। इस बार देखना यह है कि बीजेपी 2017 का प्रदर्शन किस हद तक दोहरा पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी जाटों और मुसलमानों में सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है। पश्चिम के रण के कौन कौन से सियासी सूरमा मैदान में हैं और यहां के कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं, अपने खास कार्यक्रम पहला चरण पश्चिम का रण में ऐसे ही कुछ मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में हमारी सहयोगी दिव्या जुड़ी रहेंगी, जो आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां, पश्चिम क्षेत्र से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण खबरें जिन पर आपकी निगाह होनी चाहिए वो हम तक पहुंचाएंगी। लेकिन उससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस रण के दिग्गजों की बात करते हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और सीधे रुक कर रहे हैं दिव्या की तरफ, उनके पास एक बड़ी खबर है। तो पहले चरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, 14 घंटे बाद शुरू हो जाएगा मतदान। पहले चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मुख्य मुकाबला होने जा रहा है और शुरुआत पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही होगी। 14 घंटे बाद शुरू होगा पहले चरण का मतदान, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। 11 जिलों की 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट और मुख्य मुकाबला बीजेपी समाजवादी पार्टी आरएलडी के बीच ही माना जा रहा है। 623 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है इस पहले फेज में। तो पहले चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 14 घंटे के बाद मतदान शुरू होगा और हर जगह से हमारे साथ हमारे स्थानीय रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आपको ये भी हम बताएं, ये देखिए तस्वीर भी वो सामने आ गई है। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन त्रिपाठी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं, करैया शर्मा हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं, पारस गोयल हमारे साथ मेरठ से हैं, श्रवण शर्मा शामली से हैं, नीरज त्यागी मुजफ्फरनगर से हैं। और वो एक एक जो घटनाक्रम है उस पर अपना निगाह बनाए हुए हैं। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर है, सीधे रुक कर रहे हैं दिव्या क्यों। और इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे कि गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। नोएडा में बीजेपी और साथ ही साथ यहां पर आप देख रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच कड़ी फाइट नजर आ रही है। बीजेपी से पंकज सिंह को जबरदस्त समर्थन नोएडा सीट पर, कांग्रेस से पंखुड़ी पाठक का जोर। 2017 में नोएडा सीट पर बीजेपी को मिली थी बंपर जीत और दोबारा से विश्वास जताया गया है पंकज सिंह पर। यूपी में पहले चरण के लिए होने वाले चुनाव में कई बड़े चेहरे शामिल हैं। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का नाम भी है। बीजेपी ने उन पर फिर से यकीन जताते हुए नोएडा विधानसभा सीट से दोबारा टिकट दिया है। पंकज सिंह 2017 में पहली बार नोएडा से विधायक चुने गए थे। उन्होंने 2017 विधानसभा चुनाव में करीब 64% वोट हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इस बार भी पंकज सिंह के खिलाफ सपा ने सुनील चौधरी को ही मैदान में उतारा है। वो सपा आरएलडी गठबंधन की ओर से नोएडा सीट पर कैंडिडेट हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से पंखुड़ी पाठक और बीएसपी के कृपाराम शर्मा पंकज सिंह को टक्कर देने के लिए मैदान में हैं। आपको बता दें कि 2012 में परसीमन के बाद इस सीट के बनने के बाद से ही इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में देखना है कि क्या पंकज सिंह बीजेपी की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और क्या नोएडा में बीजेपी हैट्रिक लगाने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो नोएडा का समीकरण इस बार कुछ इस तरह का है। वैसे कुछ और सीटें भी हैं, गौतम बुद्ध नगर की अगर हम पूरे की बात करें तो दादरी भी है, जेवर भी है, वहां भी अलग अलग तरीके के समीकरण इस बार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधी लड़ाई ये माना जा रहा है समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी बीएसपी के प्रत्याशी भी बहुत हद तक मायने रखते हैं और उनकी वजह से खेल इधर से उधर होता हुआ जा रहा है।